छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। इसमें 11 जवान शहीद हो गए हैं। दंतेवाड़ा के अरनपुर में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG फोर्स को लेकर जा रहे वाहन पर IED हमला हुआ। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसके साथ ही माओवादियों ने एक वाहन को भी बम से उड़ा दिया। शहीद जवानों में 10 DRG के जवान और एक ड्राइवर शामिल है। हमले को लेकर CM भूपेश बघेल ने कहा है कि नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये घटना बेहद दुखद है। नक्सलियों के खिलाफ हमारी लड़ाई अंतिम चरण में है। योजनाबद्ध तरीके से नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। जिला दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र में पूर्व हिडमा इलाका में दरबटिश माओवादी कैडर्स का उपस्थिति के सूचना पर दंतेवाड़ा DRG द्वारा एक अभियान संचालित किए गए थे। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौट रहे थे। इस दौरान अरनपुर एवं सामेली के बीच में DRG गाड़ी को ID के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन ID के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 DRG जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त रीइन्फोर्समेंट पार्टी CRPF एवं DRG घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों के बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सकता है। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों और जवानों के बीच अब भी मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने जवानों के वाहन को निशाना बनाकर ID धमाका किया। सूचना मिलने के बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल रवाना किया गया है। बताया जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई में कुछ नक्सली भी घायल हुए हैं। मामला अरनपुर थाना क्षेत्र का है।